हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष अपने इस चैनल एवरीडे फोकस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हाजिर हूं और सबसे बड़ी भर्ती एम्स में आ चुकी है। जी हां दोस्तों, नर्स की भर्ती और फील्ड वर्कर की भर्ती, नर्स और फील्ड वर्कर दोनों की भर्ती एम्स में आ चुकी है, जिसके लिए लास्ट डेट दोस्तों 11 जून 2019 है। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर जरूर देखिए। अब वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बगल का बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर जरूर शेयर करिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। योग्यता अगर आप 10वीं पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, फीस क्या है, लास्ट डेट क्या है, तो सारी जानकारी वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। और दोस्तों, सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 31,000 रुपये है और यह सरकारी नौकरी है, तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पूरा वीडियो, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और एक बार वीडियो को कर दीजिए लाइक, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एम्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन 28 मई 2019 को डिक्लेयर कर दी गई थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विभाग सामुदायिक चिकित्सा के लिए केंद्र, यहाँ पे आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। डिपार्टमेंट तो सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से यह भर्ती निकाली गई है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी मीडियम से। यहाँ पे आप लोग प्रूफ के साथ ये भी देख सकते हो जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन एम्स नई दिल्ली की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है डॉक्टर आनंद कृष्णन की तरफ से। तो दोस्तों, मैं थोड़ा वीडियो लंबा ना बने इसलिए थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, तो अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर जरूर देखिए। यहाँ पे प्यारे दोस्तों, रिक्त की सूचना की बात करें तो अध्ययन शीर्षक नए निदान किए गए संभावित पॉजिटिव पल्मोनरी टीबी के रोगियों के स्वास्थ्य घरेलू संपर्क वाले लोगों में तपेदिक रोग टीबी को रोकने में 2 टीके वीपीएम 1002 और इम्यूवैक टीकों की प्रभावकारिता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए एक तीसरा चरण ब्लाइंड 3 शाखा का प्लोसिबी नियंत्रित परीक्षण होगा, जिसका विभाग है सामुदायिक चिकित्सा के लिए केंद्र। यहाँ पे दोस्तों, नंबर 1 है पद है नर्स। इसमें दोस्तों विज्ञान विषयों में हाई स्कूल या समकक्ष प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड से ANM सर्टिफिकेट कोर्स के साथ 5 साल का अनुभव। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है विज्ञान वर्ग के साथ, इसके साथ अगर आपने ANM कर रखा है, ऑल इंडिया पूरे भारत में कहीं से भी, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का अनुभव है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पदों की संख्या 1 है और आपको 18,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा 30 साल है। अब दूसरे नंबर की बात करें तो क्षेत्र कार्यकर्ता, ये दोस्तों पद है क्षेत्र कार्यकर्ता। इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से मैट्रिक या इसके समकक्ष होना चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, या अगर आप 12वीं पास कर रखे हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, या अगर आपने GNM कर रखा है, ANM कर रखा है, या BSc नर्सिंग कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें पद जो है 3 पद है और आपको 18,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, 30 साल इसकी अधिकतम आयु है मेरे प्यारे दोस्त। इसके साथ इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो सबसे बड़ी खुशखबरी है जो ये क्षेत्र कार्यकर्ता है। अगर इसमें आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, तो आप लोग 3 पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फर्स्ट वाले में जो नर्स है, इसमें 5 साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन क्षेत्र कार्यकर्ता के लिए अनुभव नहीं मांगा है। अगर आप 10वीं पास हैं या GNM ANM कर रखा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अच्छे से ध्यान से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। उसके साथ अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, पद है अनुसंधान सहायक। इसमें दोस्तों, अगर आपने BSc कर रखा है, ठीक है, BSc सर्टिफिकेट इन क्लिनिकल ट्रायल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 साल का कार्य अनुभव, तो अगर आपने BSc कर रखा है और इसके साथ 3 साल का अनुभव है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पद है 1 और आपको जो वेतन मिलेगा 31,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, अधिकतम आयु 30 साल। अब कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट क्या है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स से लास्ट डेट है 11 जून 2019 मंगलवार। इसमें दोस्तों आप लोग इस जो ईमेल दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप लोग अपना रिज्यूम मेल कर सकते हो, ठीक है। जो आपका रिज्यूम बना है वह रिज्यूम आप लोग मेल कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, एक मिनट के लिए थोड़ा क्लीन हो जाए। यहाँ पे जो आपको ईमेल दिख रहा है, tbvaccine2018@gmail.com, इस पे आप लोग अपना रिज्यूम भेज सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख लो,
पद जो है आप लोग जरूर उल्लेख करो कि किस पद के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या कार्य क्षेत्रकर्ता के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जिस पद के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे रिज्यूम में आप लोग दर्शाना पड़ेगा, उल्लेख करना पड़ेगा। अगर आप लोग उल्लेख नहीं करते हो तो आपको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा, यानी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। बस आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देने के बाद आपका चयन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर दूसरे तरीके से अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे फॉर्म दिया गया है और ऊपर एड्रेस दिया गया है, वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप लोग भेज सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख लो अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्मेट, या इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को भर कर आप लोग मेल कर सकते हो। तो सबसे अच्छी बात है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को PDF के थ्रू प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको अच्छे से भर कर इसको मेल कर दीजिए PDF बनाकर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिग्नेचर करना है आपको अपना, यहाँ पे आपको डेट डालना है, अपना नाम डालना है, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डालिए, इसके बाद एडुकेशन क्वालिफिकेशन डालिए और अपना डिटेल्स डालिए, ठीक है। और किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे आप लोग अपना पोस्ट डालिए, नर्स है तो नर्स यहाँ पे लिखिए। इसके बाद इसको अच्छे से भर के आप लोग मेल कर दो। मैं मेल के लिए फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको इस जो मैं मेल बता रहा हूँ इस मेल को आप लोग अप्लाई करना है। तो आपकी जो फीस लग रही है दोस्तों बिल्कुल फ्री है, ठीक है, फीस बिल्कुल फ्री है। इंटरव्यू द्वारा आपका चयन किया जाएगा, लास्ट डेट है 11 जून 2019। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो नीचे। तो ऑल द बेस्ट।